नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज फिर से यहाँ पे बात करने वाले हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे से इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मैसेज में भी बात कर रहे थे और पूछ रहे थे। उनको दोस्तों क्लियर नहीं हो रहा है कि उनका यहाँ पे रिसबमिटेड बाई स्टूडेंट किया हुआ है, यानी कि दोबारा से फॉर्म को सबमिट किया हुआ है, उनको दोस्तों वेरीफाई नहीं हो रहा है। किसी किसी का एक महीना से डेढ़ महीना हो गया और दोस्तों बहुत लोगों को अभी तक वेरीफाई नहीं हो रहा है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का यहाँ पे DNO अप्रूव हुआ है, आगे बढ़ नहीं रहे, फाइनल अप्रूव नहीं हो रहा है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का DLC अप्रूव हो चुका है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं, वीडियो को आखिर तक बने रहना कि कब तक आपका अप्रूव होगा और आपको पैसा मिलेगा। इस वीडियो में क्लियर आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक बने रहना। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को जरूर से जरूर क्लिक करना, क्योंकि दोस्तों ई कल्याण से रिलेटेड जैसा ही कोई नया अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे अपडेट मिल जाता है। इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहां पे दोस्तों मैं सबसे पहले अपडेट देता हूं जैसा ही कोई नया अपडेट आता है, इसलिए मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो जरूर करना। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो भी दोस्तों यहाँ पे रिसबमिट बाय यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है तो दोस्तों उनका कब तक अप्रूव होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे पहले भी वीडियो में भी क्लियर कर दिया था, जैसे अगर आप रिसबमिट कर देते हैं तो दोस्तों आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सेकेंड राउंड में चला जाता है अप्रूव होने के लिए। जैसे सभी लोगों का सभी जिला में अलग अलग होता है, तो जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड का कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दोस्तों आपका सेकेंड राउंड का आ जाता है यहाँ पे अप्रूव होने के लिए। यहाँ पे जो भी आपका पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है उसको अप्रूव किया जाता है। जब तक आपका फर्स्ट राउंड का कंप्लीट नहीं होता आपके जिला में, तब तक दोस्तों सेकेंड राउंड का कंप्लीट यानी कि शुरू नहीं किया जाता है। इसलिए सबसे पहले आपका फर्स्ट राउंड का जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक अगर आपका रिसबमिट ही दिखाएगा, जैसे दोस्तों फर्स्ट राउंड का क्लियर हो जाता है उसके बाद सेकेंड राउंड का चालू किया जाएगा, उसके बाद आपका अप्रूव किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताता हूँ, अगर आप रिसबमिट किए हुए हो तो आपका डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से चेक किया जाता है कहीं कोई गलत तो नहीं है, उसके बाद ही अप्रूव किया जाता है। इसलिए अगर आपका रिसबमिट एक महीना से पड़ा हुआ है तो आपको वेट करना है कुछ दिन, और दोस्तों कम से कम 10 से 15 दिन 20 दिन वेट करना है। जैसे आपका फर्स्ट राउंड का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सेकेंड राउंड चालू होगा वेरीफाई होने का, उसके बाद जितने लोग भी पेंडिंग में अप्लाई किए हैं दोबारा से रिसबमिट किए हैं उनका दोस्तों चेक किया जाएगा, उसका धीरे धीरे अप्रूव कर दिया जाएगा। इसलिए मैं हमेशा हर बार ही कहते आ रहा था कि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो अच्छे से आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करो ताकि आपका यहाँ पे रिजेक्ट ना किया जाए और आपको दोबारा से अप्लाई ना करने पड़े। इसलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले भी बता दिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर यहाँ पर बता दिया कि अगर आपका रिसबमिट हो चुका है तो आपको वेट करना है, क्योंकि इसका डेट को भी बढ़ा दिया गया है 25 जुलाई तक। तो आपको 25 से 26 जुलाई तक ये महीना पूरा आपको वेट करना है। जैसे ही सेकेंड राउंड का चालू हो जाएगा तो आपका भी अप्रूव हो जाएगा। अभी दोस्तों घबराना नहीं है, बस आपको वेट करना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे DNO या तो यहाँ पे DNO या तो दोस्तों यहाँ पे DWO या तो DLC पेंडिंग पड़ा हुआ है उनका अप्रूव कब होगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, अगर आपका किसी कारणवश इस टाइप से अप्रूव दिखा रहा है, फाइनल अप्रूव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसका डेट को बढ़ा दिया गया है 25 तारीख तक, यानी कि 25 जुलाई तक। तो आपको कम से कम 25 जुलाई तक वेट करना है, आपको 25 जुलाई तक जब तक इसका लास्ट डेट खत्म नहीं होता है तब तक आपको वेट करना है, क्योंकि सरकारी काम कोई भी सही से काम नहीं होता है। जो पहले अप्लाई कर चुके थे उनका तो फाइनल अप्रूव हो चुका है और उनको पैसा भी मिल चुका है, लेकिन दोस्तों जिसका पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी तक DLC अप्रूव हुआ है, DNO अप्रूव हुआ है, उनको वेट करना पड़ेगा ये महीना के लास्ट तक 25 तारीख तक, क्योंकि इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है 25 तारीख तक। हो सके तो 25 तारीख तक में आपका अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद अगले महीना के अंदर में आपका पैसा मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों सरकारी काम जो भी डेट बढ़ते जाता है तो काम भी ढीले होते जाता है। इसलिए आपको कम से कम वेट करें, अभी एक महीना का टाइम है, एक महीने में आपका सभी जिला में अलग अलग दिन कोई वेरीफाई होगा, उसके बाद सभी लोगों के बैंक खाता में भी पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं निकला है कि आपका इतना तारीख तक वेरीफाई हो जाएगा, ऐसे डेट भी मैं नहीं बता सकता हूँ। बाकी जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट कर दूंगा कि सभी लोगों को पैसा मिलना चालू हो चुका है या तो अप्रूव होना चालू हो चुका है। तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मुझे Instagram में फॉलो करके रखना, जैसा ही कोई नया अपडेट आता है तो मैं स्टोरी के माध्यम से सभी लोगों को बता देता हूँ कि किस जिला में कितना तारीख को पैसा मिलने वाला है, सब कुछ मैं Instagram में बता देता हूँ। इसलिए मुझे Instagram में फॉलो करके रखना, Instagram अकाउंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या तो यूजर नेम digitalkamlesh_92 जैसे यहाँ पर राइट साइड में भी देख सकते हो, तो आप इस पर फॉलो जरूर करके रखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो सबसे
सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों यही चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना।